ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति ओ वुमनिया में। दर्शकों, हमने बहुत सारी बातें की थी महिलाओं से ब्रेक पर जाने से पहले। उनका किसी का कहना था कि मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, किसी का कहना है कि बराबरी का दर्जा देना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ नमिता जी मौजूद हैं जो फैशन डिजाइनर हैं। आप नमिता जी फैशन डिजाइनर हैं और आपको बाहर का घर का दोनों का काम संभालना पड़ता है, कितनी परेशानी आती है दोनों दोहरी जिम्मेदारी निभाने में? यदि हम ठीक से मैनेज करें तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं आती है। फैमिली सपोर्ट मिलता है, हम अपने नेचर से सब चीज़ों का मतलब हम अपने नेचर से सभी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इफ़ वी आर एरोगेंट तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, और स्टाफ है उसको भी ठीक से मैनेज करके चलें तो शायद फैमिली घर के जो भी काम है उसमें भी कोई परेशानी नहीं आती है। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जब हमने कुछ करना ही है तो हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ वेरी इजीली। निमाली सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों को संस्कार की बात की जाती है कि बचपन से ही संस्कार दिए जाने चाहिए लड़कियों को कि वो घर का काम संभालें और बाहर का भी मैनेज करें। जैसा कि अभी मैम ने कहा, मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लड़कों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें बचपन से बताना चाहिए कि आपको भी बाहर का काम संभालना होगा और घर का काम भी संभालना होगा शादी के बाद? जैसे मैंने पहले कहा कि मेल्स एंड फीमेल्स फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, तो मैं आई बीन ब्लेस्ड विद अ सन एंड अ डॉटर, तो दोनों में फ़र्क मैं देख पाती हूँ। मैं बिकॉज आई एम अ रिसर्चर एंड आई ऑलवेज सी देखती हूँ लाइफ को भी एज अ रिसर्च देखती हूँ, तो बाय चॉइस ही गर्ल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन डेकोरेटिंग द हाउस, इन ब्यूटिफाइंग द हाउस, और वो कुछ कुछ चीज़ें करती रहती है जो कि बहुत ही गर्ली चीज़ें होती हैं, एंड शी इन्जॉयज इट। लड़के मेरे ख्याल से हर चीज़ मैकेनिकली करते हैं, अगर उनको हम कह देंगे कि सब्जी काटो या दे विल डू इट। सो संस्कार तो मदर, दोनों बच्चे जितने भी बच्चे हैं हमारे, हम सेम ही देते हैं बेसिकली। तो मेरे को लगता है कि अभी इस ज़माने में एजुकेशन दोनों मतलब बॉय हो या गर्ल हो सेम होती है, और टीचिंग मेरे को लगता है कि हमें घर के काम से ज़्यादा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन एंड वॉट एवर शी इज़ डूइंग वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। घर के काम में भागीदारिता मेरे ख्याल से सभी आई थिंक है, अभी प्रेवलेंट है। हाँ, थैंक यू। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो ऑफिस और घर की जिम्मेदारी निभाने में औरतों की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आई थिंक हेल्थ तो डॉक्टर्स अपनी अच्छी तरह संभाल लेते हैं, एंड वुमेन शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एज वेल एज देयर फैमिलीज हेल्थ, और उसमें क्लैनलीनेस, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सब औरतें ज़्यादा ध्यान रख सकती हैं अच्छी तरह। एंड मेरा तो शौक है सफाई का, सो आई एन्जॉय बीइंग क्लीन एंड गेटिंग एवरीथिंग क्लीन अप, एंड आई थिंक दैट प्रमोट्स गुड हेल्थ एंड गुड एनवायरमेंट, एंड दैट प्रमोट्स द गुड एनर्जी इन द हाउस। सो अगर किसी का पैशन है सफाई तो फिर वो हेल्दी रहेगा। बिल्कुल। आप भारती सिंह जी, आप एनजीओ देखते हैं, आपको बाहर का ज़्यादा संभालना पड़ता है, लोगों को ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा लगता है जब आप दूसरों को वक्त दे रहे हैं और घर में नहीं दे पाती हैं? मैं फिर से बैलेंसिंग वाला जो पॉइंट है जो निमिता जी ने कहा था उस पर एग्री होती हूँ, क्योंकि जब आप मैनेज करते हैं तो फैमिली वाले भी समझते हैं कि घर को और बाहर का जो काम है उसको किस तरीके से वो बैलेंस कर पा रही है, और वो आपको हर एंगल से भी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अगर मेरी बात करती हूँ तो मेरा एक छोटा बेटा है, वो जानता है कि बहुत सारे बच्चों पे मैं काम करती हूँ, तो एक ही समय पे वो ये सोचता है जिस जो समय मम्मी मेरे को दे सकती है वो मेरे को दे, और जो समय मैं उनको दे सकती हूँ मैं उनको दूँ। तो जब भी एक सक्सेस स्टोरी निकलती है तो मेरे बच्चे को इंटरनली खुशी होती है कि मेरी मम्मी ने किसी बच्चे के लाइफ में एडिशनल वैल्यू डाला है। तो वो टोटल डिपेंड करता है आपकी फैमिली और आपके जो भी बाहर आप काम कर रहे हो, आप उन दोनों को कैसे बैलेंस करके चलते हो। बिल्कुल, यानी कि आपको दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। यास्मीन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें दोनों काम संभालने होते हैं, तो ऐसे में क्या
लगता है आपको कि बदलाव आएगा? मेघा जी, प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ सिर्फ उस हाई प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम नीचे लेवल पे यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो मज़दूर औरतें हैं, जो खेतों में काम करती हैं, उनके बच्चे इस तरह पलते हैं कि वो धूप में कहीं एक कपड़ा डाल के, या जो सड़क पे मज़दूर औरतें काम कर रही हैं वो एक धूप में कपड़ा डाल के बच्चे को संभालती हैं। तो मसला यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है, कुदरत ने औरत को बहुत सारे चीज़ें दी हैं और अलग से ताकत दी है। इसमें एक बहुत बड़ी ताकत यह है कि वो बच्चा पैदा करती है जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, वो औरत का ही काम है। तो वो जो आप कह रहे हो वो मसाइल अपनी जगह हैं, और दोनों जगह अच्छाई भी है और बुराई भी है। एक अभी मैंने कहीं केस पढ़ा था किसी मेघा कपूर का, जो गुड़गांव में काम करती थी, जब उन्होंने कहा मैं शादी कर रही हूँ तो उनके बॉसेस ने ये कहा कि फिर आप जॉब से कैसे इंसाफ कर पाओगी। तो मेंटलिटी मसला यहाँ पर यह है कि मेंटलिटी आपको बदलना पड़ेगी, वो चाहे लोअर लेवल की हो, चाहे नीचे का मामला हो, चाहे हाई लेवल की हो। थैंक यू। भारती सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि यास्मीन जी ने कहा कि सोच को बदलना होगा, तो ये सोच कैसे बदलेगी? सोच हमेशा मानसिकता की वजह से ही बदलेगी, क्योंकि आप जब अपने नेचर के हिसाब से सामने वाले को बताओगे कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरीके का जो है प्रोस्पेक्ट आपका है सोचने का अपनी ज़िंदगी के बारे में, जब तक आप ये सामने वाले को समझाओगे नहीं, वो आपकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकता है। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी फीलिंग्स को सामने रखोगे। और कई औरतों के केस में ये देखा जाता है कि वो सोचती तो बहुत कुछ है पर कभी अपनी मन की बात को जाहिर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। तो मेरे हिसाब से यही है कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करोगे, आप अपनी ज़िंदगी की जो भावनाएँ हैं और जो आप करना चाहते हो वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। ऋचा जी, आप क्या इनकी बात से, भारती जी की बात से सहमत हैं, और आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मैनेजमेंट और थोड़ा सा हेल्प पुरुषों को भी करना चाहिए घर के कामों में? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप अपनी बात कैसे पुट फॉरवर्ड करते हो, और अगर सामने वाले को आप अपनी बात समझा सकते हो देन थिंग्स गो ईजी। अगर आप नहीं समझाओगे तो आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, और विदाउट कोऑपरेशन नथिंग इज़ पॉसिबल। तो सब कुछ डिसेंट्रलाइज करना आना चाहिए, तभी आप इजी रह सकते हो। मेरा प्रिंसिपल लाइफ में ये है कि डिसेंट्रलाइज एंड रिलैक्स, तो रिलैक्स वे में सारा काम अच्छी तरह होता है। निमाली जी, ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो ये लगाया जाता है आरोप कि माँ ने नहीं संभाला, और जब बच्चे सही होते हैं तो कहते हैं कि परिवार के बच्चे बहुत संस्कारी हैं। तो ऐसे में क्या माँ की ही जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे? आई वुड से येस, इसलिए क्योंकि मदर जो है वो बच्चे की फर्स्ट टीचर है। जितना टाइम मदर अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती है, ये तो ठीक है कि वेमेन वर्किंग हैं तो भी वर्किंग वेमेन को भी 6 months की मेटर्निटी लीव मिलती है, वो फादर्स को इतनी नहीं मिलती हैं। एंड जो चाइल्ड केयर का जो कॉम्पोनेंट है वो मुझे लगता है कि फादर्स जो हैं उनका जो रोल है बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट बनाने में ज़्यादा है, मेरे को लगता है दुनियादारी समझाने में। लेकिन जो बाकी जो संस्कार हैं वो अगर मदर नहीं दे रही है तो ग्रैंड मदर दे रही है या घर की कोई और महिला दे रही है, और जो केयर फीचर है वो देर आर मैन हु आर डूइंग चाइल्ड केयर, बट मुझे लगता है कि वेमेन का इंटीग्रल पार्ट है, मैंने पहले भी कहा था केयर कॉम्पोनेंट। सो आई थिंक कि मदर ही पहली टीचर है बच्चे की, तो मदर हैज़ अ बिगर रोल उसके उसको बनाने में। हम कहते हैं ना एजुकेशन, अगर वेमेन एजुकेटेड होगी तो हमारा पूरा समाज एजुकेटेड होगा। वो इसीलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि वेमेन हैज़ दैट इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ टीचिंग द चाइल्ड। बिल्कुल। तो जैसा निमाली जी का कहना है कि संस्कार जो हैं वो माँ को ही देने चाहिए, लेकिन पुरुष जो हैं बाहर की जिम्मेदारी भी बच्चों को सिखा सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी नमिता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि यास्मीन जी ने कहा कि सोच में बदलाव आना चाहिए, आप क्या कहेंगी किस तरह से सोच में बदलाव आ सकता है? हाँ, पुरुष को भी बराबरी की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, लेडीज बाहर काम करती हैं, चाहे विलेज में खेती वाली औरतें होती हैं, पूरा खेती करती हैं, फिर आके वही काम वो घर का करें तो वाकई वो स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। तो हस्बैंड वाइफ को मिलकर काम करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि एनर्जी डबल हो जाती है, एनर्जी डबल होगी तो हर चीज़ का अच्छा
विकास होगा। तो दोहरी जिम्मेदारी यही है कि हस्बैंड वाइफ को मिलकर काम करना चाहिए जहाँ पर वर्किंग लेडीज़ हैं। बिल्कुल, यानी कि दोनों महिला और पुरुष मिलकर काम करेंगे तभी ये जिम्मेदारी बढ़ पाएगी और महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारी विशेष प्रस्तुति ओ वुमनिया में।